नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। आइए डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। सबसे पहले हेडलाइंस। मोतिहारी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर एक्शन में। आज मेन रोड पे फिर चला बुलडोजर। अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फौकानिया और मौलवी की परीक्षा के दौरान हुई कुव्यवस्था से जुड़ी खबर। एसटीवी न्यूज पर दिखाए जाने का असर। परीक्षार्थियों के सीट तक जाकर पिलाया गया पानी। मसौलिया के एक मजदूर की दिल्ली में मौत। बीमार होने के बावजूद बच्चों के भरण पोषण के लिए कर रहा था काम। और शिवहर सिविल सर्जन ने मीडिया के लिए वर्कशॉप का किया आयोजन। दी अहम जानकारी। मोतिहारी शहर में जाम की समस्या और अवैध अतिक्रमण से मुक्ति के लिए नगर परिषद के लोग आज एक बार फिर एक्शन में दिखे। नगर परिषद मोतिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के नेतृत्व में आज एक बार फिर मेन रोड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। इसके तहत सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और दोषी लोगों को फाइन किया गया। इस दौरान जेसीबी के उपयोग से अवैध निर्माण को नष्ट किया गया और भविष्य में दोबारा फिर से अतिक्रमण नहीं करने की नसीहत दी गई। मोतिहारी नगर परिषद की आज की कार्रवाई में काफी संख्या में नगर परिषद से जुड़े लोग और कई वार्ड पार्षद भी नजर आए। हालांकि गांधी चौक के समीप अतिक्रमण हटाए जाने के क्रम में कुछ प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ा। अरे भाई, जो सामान तुम रोड पे लगा दे। मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार ने एसटीवी न्यूज से खास बात की। ये अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई अभी प्रथम चरण में सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सड़क पर अतिक्रमण ना करें और अपने दुकान के अंदर ही सामान रखें। कुछ सांकेतिक रूप से कुछ फाइनें की जा रही हैं अभी तक। जो लोग दोबारे, कल भी फाइन किया गया था, जो लोग नहीं मान रहे हैं आज फिर वो गलती दोहरा रहे हैं, इसलिए फाइन किया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों को? अभी तक 3 लोगों को फाइन किया गया। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि कुछ दिन कब ही अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था, लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। देखने वाली बात यह है कि मोतिहारी नगर परिषद और जिला प्रशासन अतिक्रमण से मुक्ति का परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकालती है। गरीबी और मुफलिसी के चलते लोग रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाते हैं। 2 पैसे ज्यादा कमाने की चाहत में लोग दूसरे देशों एवं प्रदेशों का रुख तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी यह लालच बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मझौलिया पूर्वी चंपारण के रहने वाले फिरोज खान के साथ। गरीबी से जूझते हुए फिरोज खान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी का काम करते थे। पेंटिंग का काम करने वाले फिरोज 3 दिनों से बीमार थे, लेकिन बावजूद इसके वे अपने और अपनी बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए मजदूरी करते रहे। लेकिन भूख मिटाने की इस जद्दोजहद में फिरोज जिंदगी से हार गए और उनकी मौत हो गई। 30 वर्षीय फिरोज की असामयिक निधन से पूरे मझौलिया में गम का माहौल है। कुछ लोग फिरोज के मधुर व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके बीवी बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। इस खबर को सुनकर मोतिहारी की जानी मानी सामाजिक संस्था किप्पा द मेहर फाउंडेशन ने फिरोज के परिवार वालों को फिलहाल 5,000 रुपये मदद करने की पेशकश की है। सूबे में बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित फौकानिया और मौलवी की परीक्षा के दौरान कुव्यवस्था से जुड़ी खबर एसटीवी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद आज परीक्षा केंद्रों पर कुछ सुधार देखने को मिला। इस दौरान चकिया के बाबूलाल साहब +2 बालिका उच्च विद्यालय में आज पीने के पानी का मुकम्मल इंतजाम किया गया, जिससे परीक्षार्थियों को राहत महसूस हुई। गौरतलब है कि कल परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को इस भीषण गर्मी में काफी दिक्कतें हुई थी। यहां एक परीक्षार्थी ने केंद्र पर परीक्षा के दौरान पीने के पानी के बदले पैसे मांगे जाने की शिकायत एसटीवी न्यूज से की थी। शिवहर सिविल सर्जन ने आज मीडिया के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। सीएस दफ्तर में आयोजित इस वर्कशॉप में शिवहर के सीएस डॉक्टर धवेश कुमार ने मीडिया को नियमित टीकाकरण एवं रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई 2019 से शिवहर जिले में नियमित टीकाकरण शुरू हो जाएगा।
पश्चिमी चंपारण के लौरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय बैठक सह सदस्यता अभियान 2019 को लेकर एक कार्यशाला संपन्न हुआ। मिश्रा टोला में आयोजित इस कार्यशाला का नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष सह सदस्यता अभियान प्रभारी संजय मिश्रा ने किया। इस कार्यशाला में भाजपा से जुड़े कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर एसटीवी न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि पार्टी द्वारा 6 जुलाई से पूरे भारत में सदस्य बनाने का काम किया जाना है, इसी को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लौरिया विधानसभा के लौरिया दक्षिणी मंडल में आज का यह कार्यशाला आयोजित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।